नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अमरोहा में पुलिस ने दो गौ तस्करों पर कार्रवाई की है। सत्तार और छिद्दू गौ तस्करों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दोनों की 65 लाख की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने मुनादी कराकर यह एक्शन लिया। गजरौला थाना क्षेत्र के करमल्लीपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। 65 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। इन पर गौ तस्करी के आरोप हैं। दो गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लखीमपुर खीरी में 25,000 के इनामी अपराधी शिव कुमार को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में पुलिस की जीप में तोड़फोड़ हुई है। 3 पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं। इस दौरान मौका देखकर अपराधी शिव कुमार मौके से भाग निकला। अपराधियों के परिजनों ने 1 घंटे तक हंगामा किया है। मामला लखीमपुर खीरी के भीरा कोतवाली क्षेत्र का है। तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। पुलिस टीम पर किस तरह से देखिए, अपराधी और उसके परिवार के लोगों ने अटैक किया और इसी बीच जिस शख्स को पकड़ने गई थी पुलिस शिव कुमार, वो भाग निकला। आज प्रातः 9 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाने का वांछित शिव कुमार पुत्र बिसाती निवासी कस्बा भीरा, जो कि धारा 60 एक्साइज और IPC 272 के अंतर्गत वांछित चल रहा है, वो अपने घर पर मौजूद है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो अभियुक्त के परिवार के जन और अन्य बस्ती वालों ने पुलिस को व पुलिस की गाड़ी को घेर लिया, जिसके कारण जो पुलिस की गाड़ी थी उसका शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बात प्रकाश में आई है। UPATS ने तमिलनाडु के वेल्लोर से अवैध बांग्लादेशी नागरिक कफिलुद्दीन को गिरफ्तार किया है। कफिलुद्दीन पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने के आरोप है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को आर्थिक मदद देने, उनका पासपोर्ट, भारतीय दस्तावेज बनवाने का आरोप इस पर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी इसका कनेक्शन सामने आ रहा है। इस गिरोह के 7 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कफिलुद्दीन पर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सांपों के जहर के मामले में जेल में बंद एलविश यादव को आज जमानत मिल गई। 17 मार्च से एलविश जेल में बंद था। 6वें दिन एलविश को जमानत मिली है। ACJM 1 की कोर्ट में सुनवाई हुई। एलविश को जमानत मिली। 50,000 के 2 बेल बॉन्ड पर यह जमानत मिली है। हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से। 50,000 की 2 श्योरिटी पर जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे और रिलीज। सर कब तक उम्मीद करेंगे जैसे बाहर आ जाएंगे? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग करने तो जमानती भरने की, जितना भी जल्दी होगा आ जाए। तो बेल के लिए आपने क्या आर्गुमेंट दिया था, उनको क्यों बेल मिलना चाहिए? आर्गुमेंट हमारा यही था कि झूठा फंसाया गया है, उससे कोई सब्सटेंस बरामद नहीं था NDPS एक्ट का, और जो पूर्व में जिससे बरामद था राहुल से, उसको बेल पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट से मिल चुकी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में 80 सीट्स जीतने के लक्ष्य को बीजेपी ने 40 विभागों की स्पेशल टीम का गठन किया है। इसे लेकर बीजेपी ने यूपी में 45 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। 300 से ज्यादा रैलियां बड़े नेताओं की कराने की तैयारी है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। होली के बाद यूपी में बीजेपी के बड़े नेताओं की जनसभा शुरू हो जाएगी। मिशन 80 का लक्ष्य पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी व्यूह रचना कर चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का भी गठन किया है। 40 सदस्यीय कमेटी है और इसमें जिम्मेदारी दी गई है जो तमाम रैलियाँ होनी है बड़े नेताओं की, और उसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची बीजेपी के प्रदेश संगठन ने तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है और 300 से ज़्यादा रैलियों और सभाओं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कराई जाएंगी। यह 300 से ज़्यादा रैलियां और सभाएं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर होंगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 80 लोकसभा सीटों पर सभाएं और रैलियां करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 1 दर्जन सभाएँ उत्तर प्रदेश में तमाम लोकसभा की सीटों पर कराई जाएंगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।
मेघालय में अगवा हुए अखिलेश सिंह के परिवार वालों ने आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम के आवास पर ये मुलाकात हुई। अखिलेश के परिवार ने सीएम योगी का आभार जताया। आपको बता दें, सीएम योगी की पहल पर मेघालय सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, जिसके बाद अखिलेश सिंह को तलाश लिया गया। आपको बता दें, अखिलेश लखनऊ के बेनीगंज के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीतापुर पहुंचे और सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने रामपुर समेत अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, आजम खान के परिवार को कम से कम एक जेल में रखना चाहिए। उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है, और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो, कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? सीतापुर जेल में आजम से अखिलेश की मुलाकात पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आजम खान से मिलने गए अखिलेश यादव। छिटक न जाए, चला न जाए, कहीं दूसरी पार्टी की तरफ न चला जाए, इस डर और खौफ की वजह से अखिलेश यादव आज सीतापुर जेल गए और उन्होंने आजम खान से मुलाकात करके मुसलमानों के वोट को साधने की कोशिश की है। मगर वो जो है वो भूल कर गए, उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत ताखीर कर दी। अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त, अखिलेश यादव जी अभी आपके लिए दिल्ली बहुत दूर है। अपना दल कमेरावादी के 3 सीट मांगने की जिद के बाद कल अखिलेश यादव ने कहा था कि अपना दल कमेरावादी से हमारा गठबंधन टूट गया है। इस बयान के बाद आज अपना दल कमेरावादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल बैकफुट पर नजर आईं। पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंडिया गठबंधन के साथी हैं हम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने बड़े भाई जैसा बताया। मैं जिस अलायंस में हूँ, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। देखिए, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं, जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। इधर एसपी विधायक इरफान सोलंकी केस में फैसला टल गया है। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आज फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने 28 मार्च अगली तारीख तय की है। आपको बता दें, कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी पर एक महिला का प्लॉट कब्जाने की नीयत से उसके घर में आग लगाने का आरोप है। इस मामले में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कुल 12 आरोपी हैं। 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ इलाके की रहने वाली महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। लिए नानी जाने ने कहा है कि चूंकि छुट्टी भी होने की वजह से आज निर्णय करना उचित नहीं होगा और उसको पुनः सुनवाई करते हुए और आदेश करते हुए लिखा है कि 28 तारीख को आदेश पारित किया। दिल्ली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा हाईकोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट और सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खुद को बेकसूर और बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं को बरेली दंगे का आरोपी बताया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से जांच की गई तो सच सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, 27 मार्च को सामूहिक गिरफ्तारी का भी उन्होंने ऐलान किया है। हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया, देखिए
हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं है। हम माननीय हाईकोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया है 27 तारीख को मैं हाजिर होऊंगा और तमाम लोग मेरे तमाम लोग हाजिर होंगे, गिरफ्तारी भी ली जाएगी, मैं खुद अपने आप कोर्ट में पेश होऊंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं मुझे जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने के निर्देश दिए। बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है मदरसा एजुकेशन एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा में समायोजित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध मदरसों की जांच के लिए एक SIT भी 2023 में बनाई थी। इस SIT ने पाया कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसे अवैध हैं और जिनको अवैध रूप से विदेशी फंडिंग दी जा रही है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि कोर्ट के फैसले से आश्चर्य हुआ, फैसले की समीक्षा की जाएगी। आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है, इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं, इसको बैठ के समझा जाएगा। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग निकले। गोली लगने के बाद व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। वाराणसी के थाना मंडवाडी के जलाली पट्टी का यह मामला, मृतक का नाम सोनू था और पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाएगा। मृतक सोनू मंडवाडी का हिस्ट्री शीटर था, 7 मुकदमे उसके खिलाफ भी दर्ज थे। सोनू के पिता का 10 साल पहले इसी तरह से उनकी हत्या हुई थी, रॉड से हमला कर उनकी हत्या हुई थी। 10:30 रात क्या के समय ये सूचना मिली कि सोनू यादव है जो नाथूपुर गांव का रहने वाला है। नाथूपुर गांव और जलाली पट्टी दोनों फटे हुए हैं। नाथूपुर से लगभग इसके घर से 200 मीटर दूर जलाली पट्टी गांव की गली में जो है ये सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिल से जो है बदमाश आए और जो है गोली मार दी है और हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। बरेली में पुलिस ने दो ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया है जो नशे और त्योहारों के खर्चे को पूरा करने के लिए ATM काटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ATM का सायरन बजा, दोनों भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे दोनों युवकों को घेरा और फिर इन्हें पकड़ लिया। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार का ये मामला है। पकड़े गए आरोपियों में एक BBA का छात्र है, दूसरा 8वीं पास है। और अगली खबर हापुड़ से, बाबूगढ़ पुलिस ने दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भोले भाले गरीब लोगों को ठगा करते थे। ठगों के पास से पुलिस ने 9,000 नगद, 2 मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड और रसीदें बरामद की है। पुलिस ने दो शातिर ठग शिवा और राजेश को गिरफ्तार किया है। दोनों ही कानपुर के निवासी हैं। तकरीबन 10 दिन पहले शातिर ठगों ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक दिव्यांग को अपना शिकार बनाया था। के जनपद से और उत्तर प्रदेश के और भी जनपदों में काफी लोगों के साथ साइबर फ्रॉड और ठगी करी हुई है। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे घर फ्लैट दिलाने के लिए कॉल करते हैं और जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको झांसे में लेकर के उससे अपने अकाउंट में उस प्रॉमिस के साथ कि उसको ये घर दिलवा देंगे, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए जो उनसे बन पड़ता है वो
ट्रांसफर करा लेते हैं और फिर वो ट्रांसफर करने के बाद ही अपना मोबाइल वगैरह बंद कर देते हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबारियों पर कार्रवाई की है। 20 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर के गौरीकुंड इलाके का ये मामला है। अभियुक्तों का नाम है सचिन गुप्ता व सनी गुप्ता। ये दोनों अभियुक्त पलिया कस्बे के रहने वाले हैं। इनका पूर्व भी आपराधिक इतिहास है, पहले भी लोग नशे के व्यापार में जेल जा चुके हैं। पुलिस के द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और कुछ दिन पूर्व पलिया पुलिस के द्वारा भी इसमें NDPS और नशीला पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी और चुनाव के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और अगली खबर अमेठी से, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि पति ने उसे पहले तो तलाक दिया और इसके बाद पति सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल कर रहा है। इस मामले की जानकारी होने के बाद पत्नी ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोपी पति सऊदी अरब के रियाद में रह रहा है। ये केस मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का है। मुस्लिम महिला का निकाह 2 साल पहले हुआ था। तो मेरी तलाक डिवोर्स होने के बाद में मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं उनके साथ में तलाक होने के बाद में भी रहूं। जब मैंने इस चीज से मना किया तो उन्होंने मेरी जो मेरी और उनकी प्राइवेट फोटोज वीडियोस हैं बेडरूम की, वो अब वो मुझे कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ में नहीं रहोगे तो मैं ये यहाँ भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। जब मैंने मना कर दिया तो वो मेरी प्राइवेट फोटोज वीडियोज सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, जब तक कि मैं उनके साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहूंगी। और अगली खबर चंदौली से है। यहां चेकिंग के दौरान GRP को बड़ी सफलता मिली। GRP ने 13 किलो चांदी के गहनों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। यह युवक चांदी के गहनों को अवैध तरीके से बिहार ले जा रहा था। दिलदार नगर पुलिस ने युवक की अरेस्टिंग की है। पकड़ा गया शख्स बिना किसी कागजात के ही अवैध तरीके से चांदी की ज्वेलरी लेकर बिहार जा रहा था। चुनाव और होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विशेष अभियान चेकिंग चलाया जा रहा है। कल दिलदार नगर चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 पे एक व्यक्ति दिखाई दिया संदिग्ध स्थिति में, उसको रोका गया, चेक किया गया तो आम रिंग को पुत्र प्रमोद बताया जो सकलडिया चंदौली का रहने वाला है। उसके पिट्ठू बैग को चेक किया गया तो उसमें ज्वेलरी चांदी की मिली, उसके संबंध में उसके पास कोई पेपर नहीं। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में 30 जनवरी को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। एनकाउंटर के बाद हनीफ कुरैशी और रिजवान कुरैशी को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी सुनील गुप्ता के घर 30 जनवरी को डकैती हुई थी। वारदात में एक काले रंग की ब्रेजा कार का इस्तेमाल हुआ था। जांच कर रही पुलिस लुटेरे अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढने के लिए एक बार फिर पीलीभीत आए, जिसकी जानकारी पुलिस टीम को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। माधव टांडा रेलवे फाटक पर एक काले रंग की ब्रेजा बिना नंबर वाली आती देख पुलिस ने कार को रोकना चाहा तो कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो रिजवान के दोनों पैरों में गोली लगी, वहीं उसके साथ ही फरमान के भी पैर में गोली लगी है। पूछताछ के दौरान रिजवान ने बताया कि वो रामपुर जिले का रहने वाला है, जबकि फरमान डासना जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। CCTV इसमें मेन चीज है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी आपसे अपील करना चाहूंगा कि CCTV की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पावर बैकअप, जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं बहुत अच्छे से अच्छा नाइट विजन CCTV, मोशन सेंसर अलार्म या कुछ कुछ चीजें जरूर लगा के रखें। और इवन डैश कैम भी आजकल गाड़ी में आता है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ पैसे लेके जा रहे हैं तो डैश कैम भी लगाएं। संभल में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की। भारी तादाद में बंदूक राइफल तमंचे बरामद किए। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये मामला संभल कोतवाली के गोविंद नगर का है, जहां पुलिस ने बंद पड़ी मैंथा फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां पर अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी। क्षेत्र में आज गोविंद नगर ग्राम में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। आज की कृत कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम दिल नमाज पुत्र शफीर निवासी ग्राम सैफ कासराय थाना संभल,
एवं अख्तर पुत्र हमीदुल्ला निवासी मंडी किशनदास थाना संभल है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद बंदूक 12 बोर, एक अदद राइफल 315 बोर, 3 अदद तमंचे 12 बोर एवं 3 अदद तमंचे 315 बोर के साथ 3 अद बने तमंचे भी बरामद हुए हैं। कान्हा के नगरी मथुरा में आज भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी और सखियों के साथ निकुंज होली खेली है। वृंदावन प्रेम मंदिर स्थित शरणागति आश्रम में सबसे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह को गर्भगृह से निकालकर लताओं फूलों के साथ अंगूरों से बनी निकुंज यजमान कराया गया। इसके बाद सेवायतों ने भगवान को अबीर गुलाल लगाया। अबीर गुलाल लगाने के बाद भगवान को टेसू के फूलों से बने रंग से होली खेली गई। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। निकस अटा में से दर्शन दे, अरे दर्शन दे, निकस अटा में से दर्शन दे। श्याम सुंदर जब बरसाना होली खेलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला पद किशोरी जी के लिए यही गाते हैं, क्योंकि किशोरी जी महल में और श्याम सुंदर अपने हुरियारे मित्रों के साथ आ गए हैं, तो वो कहते हैं पहले दर्शन दो और दर्शन दे करके हमारे ऊपर अपनी करुणामयी दृष्टि से देखो और हमको होली के रंग में आनंद से भर दो। बोल होरी के रसिया की जय। होली के त्यौहार पर इस बार चुनावी रंग भी नजर आ रहा है। बाजार में इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी की धूम हर तरफ है। पिचकार मोदी और योगी की तस्वीरें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मोदी और योगी के मुखौटे भी दुकानों पर खत्म हो जा रहे हैं, डिमांड इतनी ज्यादा है। दुकानदारों का भी कहना है कि मोदी और योगी के मुखौटे बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद आ रहे हैं। जिस पर योगी और मोदी की जो जोड़ी की पिचकारी है, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काफी डिमांड में है। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी डिमांड है और क्या कुछ यहाँ पर उनके पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? गर्वित गोयल। गर्वित जी, किस तरीके की डिमांड है और किन किन पिचकारियों की डिमांड है? पिचकारियों में वैसे सब चीज की डिमांड है, लेकिन आजकल जे सबसे ज्यादा डिमांड में है, मोदी वाली पिचकारी जो है। अच्छा, ये मोदी वाली पिचकारी की बहुत डिमांड है, इसका माल शॉर्टेज है, इतनी डिमांड हो चुकी है इसकी। 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिसकी वजह से घरों में अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने में जुट गए हैं लोग। उधर दुकानों में भी तरह तरह की मिठाइयां मिलने लगी हैं। हरदोई में एक दुकानदार ने गोल्डन गुजिया तैयार करवाई है। ये गुजिया 24 कैरेट सोने के मिश्रण से बनकर तैयार हुई है। इसके एक पीस की कीमत 500 रुपये है। इस समय तो होली का त्यौहार चल रहा है और लोगों की जो पसंद है वो सिर्फ दो चीज़ें की, जैसे गुजिया हो गई आपकी और आपकी नमकीन समोसे और ये चिप्पा पड़ वगैरह। तो हमने ये सोचा कि गुजिया को कुछ नए तरीके से मनाया जाए और जिससे लोग अट्रैक्ट हों और देख के उसको गिफ्ट करने की कोशिश करें कि देते हैं। तो हमने इस तरीके से ये अपनी गोल्डन गुजिया बनाई है 24 कैरेट की। इसमें आपका जो लेयर है वो काजू की है और जो अंदर इसकी फिलिंग है वो आपके ड्राई फ्रूट्स और हनी की है। उसके ऊपर से हम लोगों ने ये सोने का वर्क लगाया 24 कैरेट का और इस चीज़ की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हरदोई में आ रही है। लोगों की नई चीज़ है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको और हम इसकी पूरी तक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।